मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसकी हर ना में हाँ छुपी होती है। ओह रियली? यानी कि उनकी हाँ हाँ है और उनकी ना भी हाँ ही है। बाबा जी प्रणाम। अरे विनोदी बहन, आगरे से अंगूरी पेठा खास आपके लिए बाबा जी। आगरा गई थी? डब्बा आया है बाबा जी। अच्छा। अरे हमारा नाती आया है वहां से, डब्बा को देखते ही हमको भनक लग गई थी कि आगरे का अंगूरी पेठा हमारे बाबा जी के लिए गांव में आया, बस ले आए हम आपके लिए। मतलब? अब बाबा जी आप अपनी फिक्र तो करना ही हो, हम तो आपकी फिक्र करते हैं ना। हमारी फिक्र भाई, ऐसा क्यों ये बताओ। बाबा जी देखो आपका कितना वजन घट गया है, कितने दुबले हो गए हो आप। अरे भाई हम कोई डाइटिंग वाइटिंग तो करते नहीं। मगर आप फिक्र तो करत हो दूसरे लोगन की। हम मतलब नहीं समझे तुम्हारा। बाबा जी अब वजन दो कारण बस कम होते है, एक डाइटिंग जो आप करते नहीं और दूसरा चिंता करके। क्या बताए भाई, हमारी तो किस्मत नहीं हमको चारों खाने चित करके रखा का। जानत है बाबा डॉक्टर स्नेहा उकरे खाती परेशान हो ना। सही कह रही हो बहन, घायल की तो घायल ही जाने, दूसरा ना जाने कोई। घायल सब जानत है बाबा जी और उसका मरहम भी जानत है। ये खेल अभी जारी है, हम ना हार मानेंगे और ना हथियार डालेंगे। बहन लेकिन अब तो बस सिर्फ एक ही उम्मीद है, अगर तुम किसी तरह से जीत कर सरपंच बन जाओ तो शायद हमारा वर्चस्व वापस लौट आए। अगर हम दोनों जतन करके ना काम करें तो खोया हो वर्चस्व वापस ही नहीं आएगा बल्कि वर्चस्व और बढ़ेगा। वही सोच रहा हूँ, उसी विचार में लगा हुआ। कुछ सोचे हो आप? सोचे बहुत गहराई में सोचे। इस वक्त गांव में एक धमाके की जरूरत है। ये कहा बाबा जी, गांव में बमबारी करवाएंगे का? नहीं बहन, धमाका पब्लिसिटी का, पब्लिसिटी इमेज। तुम्हारी छवि कैसी है आजकल, सब वही है, समझ रही हो। अरे वो तुम्हारा हमें ना वो क्या कहते हैं पैकेजिंग करना पड़ेगा। अरे मुरी मैया, हमको दुकान में बैठा हो का बाबा जी? नहीं बाबा, दुकान पे नहीं, हम तुम्हारा जो इलेक्शन में कैंडिडेट होने का जो ऐलान करेंगे ना, हाँ। उसको एक बड़े धमाकेदार स्टाइल के साथ करेंगे। बाबा जी हम आपकी इस बात से तो सहमत है पर ये सब होगा कैसे? मिल गई युति। अरे पोस्टर तो सभी लगाते हैं ना। ठीक। और गाना बजाना भी सब करते हैं लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम दुश्मन की तलवार से ही दुश्मन पर वार करेंगे। ऐसा हो सकता है बाबा जी? अरे प्रतापपुर रेडियो स्टेशन पर जाकर हम तुम्हारा कैंडिडेट होने का ऐलान करेंगे। क्या बात है बाबा जी, वाह जय हो बाबा जी। और बाबा जी एक बात बताइए, मुद्दा का होगा? पहले शोर तो मचा लें, मुद्दा भी मिल जाएगा बहना। जय हो बाबा जी, जय हो, जय हो। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना। बुआ जी स्नेहा जी और आपकी सेवा में। डॉक्टर स्नेहा जी आपका एक बार फिर से स्वागत है सत्य की अदालत के बारे में बताने के लिए। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्ना, यस का मतलब क्या होता है? इतनी अंग्रेजी तो हमें आती है, यस का मतलब हाँ। और नो का मतलब? नो का मतलब ना। पर अगर कोई पति अपनी पत्नी की ना को ना समझे और उस पर अपनी हाँ को थोपना चाहे तब क्या होगा? तो क्या होगा? आओ देखते हैं सत्य की अदालत में। हाँ सत्य की अदालत में। We'll be right back.
आज का माजरा क्या है? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट प्रणति जी का दावा है कि उनके पति कुलभूषण जी हाँ और ना जैसे बेसिक शब्द के बीच का फर्क नहीं समझते। समझते हैं जी, समझते हैं, मगर समझने से इनकार करते हैं। आपकी पत्नी के आरोप पे आपका क्या विचार है? क्या आप सही में बेसिकली हाँ और ना का डिफरेंस नहीं समझते? जज साहब, जब कोई फर्क होगा तो समझूंगा ना। देखा आपने जज साहब, योर ऑनर हमारा पक्ष यही दावा करता है कि कुलभूषण जी की फितरत ही ये है कि वक्त बेवक्त जब उनका मन करे अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने की मांग करते। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बेवक्त मांग का कोई मतलब ही नहीं है। पति जब भी चाहे उस चाह को पूरा करना पत्नी का धर्म कहलाता है। योर ऑनर, ये सरासर क्रूरता का केस है। नहीं योर ऑनर, ये सीधे सीधे औरतों के नखरे का केस है। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। देखिए, अदालत के फैसले आप अदालत को लेने दें। आप अपनी बात पूरी करिए प्रणति जी। हाँ जी जज साहब, हम दोनों वर्किंग कपल हैं। ये रोज सुबह ऑफिस चले जाते हैं और जो घर की कोठी में गराज है उसमें मैं अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। बस अभी कुछ महीने हुए हैं बट इनसे ज़्यादा पैसे कमा लेती हूँ। क्या नाम बताया आपने? जी कुलभूषण। क्या ये सच है? ब्यूटी पार्लर चलाती है जी। अब शादियों और त्योहारों के सीजन में तो ज़्यादा कमाएगी ना हमसे। हम ठहरे बैंक कर्मचारी, हमारा तो कोई सीजन होता ही नहीं, एक ही सीजन होता है। नॉट इट। अब प्लीज आप दोनों मुद्दे पे आइए। योर ऑनर, मुद्दे का संगीन पहलू ये भी है कि जहाँ कुलभूषण जी एक नौकरी करते हैं वहीं मेरी क्लाइंट प्रणति जी दो दो नौकरियां करती। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किस बिना पर? एक्चुअली मुझे कहने को कुछ सूझा नहीं तो मैंने सोचा ऑब्जेक्शन ही कर लेता हूँ। हो गया आपका ऑब्जेक्शन, बैठ जाइए। सॉरी। हाँ जी आप बताइए, वो क्या दूसरी नौकरी का क्या है? दूसरी नौकरी जैसा बीवी और माँ वाली, जिसमें ना कोई संडे होता है और ना कोई वेकेशन। आप पत्नी और माँ के काम को नौकरी समझती हैं? दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि ना इसमें पगार होता है ना बोनस और ना सड़ा सा थैंक यू। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पत्नी और माँ होना नौकरी नहीं है और ऐसे विचार रखना हमारी सभ्यता के खिलाफ है। जज साहब, ऐसा सोच रखने वाले मर्द बिन तकिए के गिलाफ है। परिणीति जी, आप अपनी जबान पर जरा काबू रखिए। उसका फैसला अदालत करेगी। आप बोलिए। जज साहब, मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ, बच्चों के लिए इनके लिए टिफिन बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, वो भी दोनों अलग अलग। फिर जनाब उठते हैं, जनाब को उठते से चाय चाहिए, एक बार दो बार कभी कभी तो 3 कप चाय पी लेते हैं। 1, 2, 3 कप चाय? मोशन मोशन ना हो तो इनको चाय चाहिए, भले बच्चों को स्कूल जाने में देरी क्यों ना हो रही हो। देखिए, अदालत को ये मोशन काफी अनजस्ट महसूस हो रहा है। फिर जज साहब ये दफ्तर चले जाते हैं, मैं अपना ब्यूटी पार्लर चली जाती हूँ, शाम को 6:30 बजे घर आती हूँ, बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, इनके लिए खाना बनाती हूँ, उनका होमवर्क कराती हूँ, फिर जना फिर ऑफिस से आते हैं, फिर वही चाय वाली डिमांड, भले ही रात को देर क्यों ना हो गई हो। रात को भी चाय क्यों? वही सेम प्रॉब्लम जज साहब, सोने के पहले मोशन। इनका मोशन ना हो तो ये घर का सारा इमोशन ही बिगाड़ देते हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, एक फैमिली के नॉर्मल डे का इस केस से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है योर ऑनर। आप समझ सकते हैं ये महिला सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करती है, उसका उसकी सेहत पर कुछ तो असर होता ही होगा। देखिए, असर समझ में आता है पर ताल्लुक? ताल्लुक है जैसा, मैं आपको बताती हूँ। बच्चों को डिनर कराना, फिर उनको ब्रश कराना सबसे मुश्किल काम होता है, फिर उनको सुलाओ, तब जाकर मैं बेडरूम में जाती हूँ। फिर जैसे ही मैं बेडरूम में गई, थकी हूँ हारी हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे बेड पे गई इनके अंदर का काम जाग जाता है। अब मैं इनको हर बार तो हाँ नहीं कर सकती ना। योर ऑनर, अगर हम इसे क्रूरता नहीं कहेंगे तो क्या कहें? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, पतिव्रता क्रूरता नहीं हो सकती। देखिए, साइलेंस रखिए और आप बेवजह बीच में
ऑब्जेक्शन मत करिए, अब बैठ जाइए। आप बोलिए प्रेरणा जी। जज साहब, ज्यादातर तो मैं इनके साथ कोऑपरेट कर ही लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा मूड नहीं होता है, थकी होती हूँ, फिर भी जबरदस्ती करके अपनी मनमानी कर लेते हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, ये तो एक परंपरागत तथ्य है कि औरत की नाम है हाँ छिपी होती है, इसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आप ये चाहते हैं कि मैं चिल्ला चिल्ला के पूरी कॉलोनी में बता दूं कि मेरे हस्बैंड को हाँ या ना में कुछ फर्क नहीं समझ आता? यही योर ऑनर, मुद्दे की बुनियादी कश्मकश यही। क्या इस देश के नागरिक का, हम महिलाओं का, हमारे अपने शरीर पर कोई हक नहीं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अब क्या है? क्या एक पति का अपनी पत्नी पर कोई हक नहीं है? आपकी इसमें क्या राय है मिस्टर कुलभूषण? जैसा मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, पत्नी है मेरी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसकी हर नामे हाँ छुपी होती है। ओ, रियली? यानी कि उनकी हाँ हाँ है और उनकी ना भी हाँ ही है। योर ऑनर, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन है योर ऑनर। देश का हर मर्द जानता है कि औरत की जुबान पर ना और दिल में हाँ होती है। रियली? ये सिर्फ आपकी राय है वकील साहब? नहीं, मेरी नहीं, आम जनता भी यही मानती है। क्या आप सब मानते हैं? क्या हम औरतों का शरीर अपने पति की मर्जी का मोहताज? ये तो सरासर नाइंसाफी है जैसा, अ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। आपके कहने का मतलब है वुमेन्स राइट्स। अब आप जैसे मर्द तो हम वुमेन को ह्यूमंस में गिनते ही नहीं। साइलेंट मिस्टर कुलभूषण, आप एक बैंक ऑफिसर होते हुए क्या सच में नहीं जानते कि हाँ और ना में क्या फर्क है? इतना तो मैंने सोचा नहीं जैसा, कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये इतनी मेहनत करती है, पूरा दिन रात लगा के इतना काम करती है जज साहब, ये तो सच में दो दो नौकरियां करती है। जज साहब, मेरी मेहनत का छोड़िए, इनसे पूछिए क्या जब ये ना करते हैं तो क्या मैं इनके साथ जबरदस्ती करती हूँ? आप ना भी करते हैं? हाँ। ना के तो बहुत बहाने होते हैं इनके पास, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी ऑफिस ओवरटाइम करके आया हूँ तो थक गया हूँ, कभी कभी बॉस ने ऑफिस में खबर ले ली है। योर ऑनर, ये कहाँ की इक्वालिटी है? मर्द का ना यानी कि आदेश औरत के लिए, लेकिन औरत का ना इनविटेशन, आमंत्रण। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हाँ, आप बोलिए। अरे योर ऑनर, अभी तो आपने मेरे ऑब्जेक्शन को हाँ कहा था। तो आपको मेरी हाँ में छिपी हुई ना नहीं दिखी? हमारा केस भी यही है योर ऑनर। पति पत्नी का रिश्ता तो बराबरी का रिश्ता होता है, लेकिन कुछ लोग इसे परंपरा प्रतिवर्ता के नाम पर बाजारू लेन देन बना देते हैं। मिस्टर कुलभूषण, आप कुछ समझ रहे हैं? हाँ जी सर। ये आपका कौन सा वाला हाँ जी है, हाँ जी वाला या ना जी वाला? जैसा मेरे इस हाँ का मतलब हाँ ही है, और मुझे समझना चाहिए था कि मेरी पत्नी की हर ना का मतलब ना ही होता है। मुझे आज पता चला जैसा मियां बीवी के रिश्ते की इक्वालिटी के बारे में। जितना मेरा इस पे हक है उतना ही अधिकार इसका भी मेरे ऊपर है। मैं ठहरा एक बैंक कर्मचारी, तुम्हें समझ नहीं सका, तुम्हें इतने सालों तक गलत समझने के लिए मैं आज सबके सामने तुमसे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। सॉरी जानू। थैंक यू जी, आपने पहली बार मुझे जान कहा, जानू कहा, बराबर का हकदार भी समझा, तो मैं भी आई लव यू। ये देखते हुए कि दोनों पक्षों ने आपसी सुलह से रजामंदी कर ली है, मैं ये केस यहीं पे डिसमिस करता हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अब क्या हुआ योर ऑनर? इस केस में आप जो भी एक्शन लें उससे पहले एक सेल्फी हो जाए।
हेलो आशिमा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यहाँ कैसे? मानवता अस्पताल के बारे में इतना सुना है, सोचा अपनी आंखों से आकर देख लो। तो कैसा लगा देखकर? देखो, ज्यादातर लोग तो हॉस्पिटल जाने से डरते हैं और वहां पहुंचकर डर भय में बदल जाता है, लेकिन यहाँ दाखिल करते ही मरीज की आधी तकलीफ तो ऐसी दूर हो जाती होगी। इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा व्यवहार, साफ सुथरा माहौल, और ये सब कम हो तो डॉक्टर स्नेहा का इलाज। बैठो। सच बताओ, अर्जुन ने तुम्हें ये सब रटा कर भेजा है ना? उन्होंने ही कहा होगा कि तुम प्रतापपुर में आकर अर्जुन का काम संभालो। नहीं स्नेहा, मैं खुद आई हूं तुमसे मिली, अर्जुन से दूर होने। आशिमा, मैं कुछ समझी नहीं। तुम इस्तीफा देना चाहती हो ये तो मैं जानती हूं, पर मुझे लगा कि वो बात टल गई है। और अर्जुन से दूर, कुछ बातें ऐसी होती है जो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। कैसी बात आशिमा? अर्जुन के साथ काम करते करते मैं उसके प्यार में पड़ गई। और अर्जुन? उसे इस बात का न तो एहसास था ना है ना होगा। तो तुमने अर्जुन को ये सब क्यों नहीं बताया? कहीं मैं उसे खो ना दूं। हाँ, इश्क में दो लोगों का साथ होना जरूरी, लेकिन प्यार एक तरफा तो हो सकता है। तुमने खुद को बहुत चोट पहुंचाई। मैं तुम्हारी कश्मकश और दर्द को समझती हूं। मैं इस उम्मीद में थी कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो, कभी ना कभी फासले इतने बढ़ जाएंगे कि रिश्ता टूट जाएगा और अर्जुन के अकेलेपन को मैं अपने प्यार से भर दूंगी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं अपना दिल हल्का करना चाहती हूँ, तुमसे खुलकर बातें करना चाहती हूँ। तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था आशिमा, इसीलिए तुमसे मिलने आई। मैं अर्जुन को धोखा नहीं देना चाहती, इस दर्द से छुटकारा चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। और अर्जुन से क्या कहूंगी? उन्होंने अपना सारा काम तुम्हें सौंप दिया है। ये दुविधा मुझे रोज खाए जा रही है, मगर मैंने फैसला कर लिया है कि मुझसे जितना भी होगा मैं अपना सारा काम खत्म करके अर्जुन को अपनी सारी जिम्मेदारियां लौटा दूंगी। अगर मैं ज्यादा देर अर्जुन के करीब रही तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगी। मैं अर्जुन से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। नहीं, मुझसे वादा करो, हम दोनों की मुलाकात हम दोनों के बीच में रहेगी। स्नेहा,
स्नेहा, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। अगर आज मैंने कोई ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर देना। सत्य की अदालत में हमने देखा, एक औरत ने अपने पति से एक शब्द कहा, ना। इस एक शब्द में उसकी गरिमा है, उसका आत्मसम्मान है और उसके शरीर पर उसका अधिकार है। जब वो ना कहती है तो उसकी भावनाओं को समझना उसके पति का कर्तव्य बनता है। संवेदनशीलता और आदर, ये वो नींव है जिस पर पति पत्नी का रिश्ता मजबूती से स्थापित होता है। एक साइकिल के दो पहिए होते हैं, इन दोनों का रिश्ता बराबरी का है। ना कोई पहिया दूसरे से छोटा है ना बड़ा, पहचानिए पति पत्नी का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा है। दोनों पहिए बराबर होंगे तो जिंदगी की साइकिल हवाओं से बातें करेंगी। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, देखते रहिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।